यस सरकार, गुड मॉर्निंग सरकार। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 18, इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड। इसके अंदर, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ई वे बिल भी आएगा। दिल थाम के सुनेगा, शानदार पॉइंट है बच्चों। आई होप ये रिविजन लेक्चर्स आप सुन रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो इनको और अपनी बुक से मैप कर रहे हो इनको। बच्चों ध्यान रखना, आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है। ये जो लेक्चर, ये लाइव, जो ये बातें हम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, आपको ये सोचना कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप और मैं मिलकर चैप्टर का रिविजन कर रहे हैं। दिल थाम के सुनेगा सर। सर आपका रिजल्ट आना चाहिए क्योंकि आपकी सक्सेस हमारी जिम्मेदारी। सरकार आइए चैप्टर नंबर 18 सर, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर एंड ईवे बिल। ईवे बिल लास्ट में था बेटा। सबसे पहले हम बात करें सेक्शन नंबर 68 पर, हाँ उससे पहले 67, उससे पहले हम बात करें क्या सर, सेक्शन नंबर 71, वो बोलता है पावर टू एक्सेस टू दी बिजनेस प्रीमाइसेस। सर प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी ऑथराइज ऑफिसर को आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे भेज सकता है फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन चेकिंग। ये सर्च नहीं है, रेड नहीं मारा है, बिजनेस प्रीमाइसेस पे आएंगे, किसी और प्रीमाइसेस पर नहीं आएंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएंगे बच्चों। इसके लिए वेरिफिकेशन चेकिंग इंस्पेक्शन के लिए, क्लियर? अब साहब ध्यान देना, अगर ये कौन कौन आ सकता है, प्रॉपर ऑफिसर आ सकता है या फिर वो जीएसटी की ऑडिट टीम आ सकती है बेटा, या कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट आ सकता है फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल ऑडिट जो अपॉइंट करता है कमिश्नर बेटा। ओके सरकार, ये अगर आए हैं ऑफिसर्स आपके यहाँ वेरिफिकेशन चेकिंग स्टॉक के लिए, तो ऐसे केस में आपको इनको कॉपरेट करना पड़ेगा, सारे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करना पड़ेंगे, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रायल बैलेंस, कॉस्ट ऑडिट अगर होती है तो उसकी रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट अगर होती है तो उसकी रिपोर्ट, ये सब आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और अगर आपके डेटा, अगर आपके रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको वो लोग अपडेट करने का टाइम देंगे, बट नॉट मोर देन 15 वर्किंग डे। पर हाँ, डिपार्टमेंट के ऑफिसर चाहे तो आपको रीजनेबल केस करे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं टू अपडेट योर रिकॉर्ड, और उसके बाद वो वेरिफिकेशन कर पाएंगे रिकॉर्ड का। ओके सरकार, ये था सेक्शन नंबर 71 पावर टू एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। अब आ रहा है सेक्शन नंबर 67 जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे चैप्टर का, पावर टू सर्च, पावर टू इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। सरकार ज्वाइंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाला ऑफिसर के पास पावर है कि वो, अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है कि किसी भी एसएससी ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स, गुड्स या थिंग्स विच आर रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट आर सीक्रेटेड इन एनी प्रीमाइसेस, छुपाए हुए हैं, तो ऐसे केस में सच ऑफिसर कैन गिव ऑर्डर फॉर सर्च ऑफ सच प्रीमाइसेस। सर ध्यान देना बेटा, अब रीजन टू बिलीव होना बहुत कंपलसरी है। अगर उसको लगता है कि मामला गड़बड़ है, आईटी से गलत लिया है, बोगस बिल के बेस पे काम कर रहा है, कोई आपने टैक्स इविजन का काम किया है सर, या सर कोई भी कॉन्ट्रोवर्शन किया विद द इंटेंशन टू इवेट द टैक्स, तो ऐसे केस में ध्यान रखना रीजन टू बिलीव होना चाहिए, तो वो दे पाएंगे क्या सर्च वारंट। बिना सर्च वारंट के सर्च ना होता है बेटा। अच्छा सुनो ध्यान से बात को, ये बोला है कि अगर इंस्पेक्शन करने आया ऑफिसर तो आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे, फिर उसको लगता है कि कुछ गुड्स डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स विच आर रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट वो छुपाए हुए हैं, तो वो एनी प्रीमाइसेस, ध्यान रखना नॉट ओनली प्लेस ऑफ बिजनेस, एनी प्रीमाइसेस वो सर्च कर सकते हैं, पर उसके लिए प्रॉपर सर्च वारंट रिक्वायर्ड है फ्रॉम द ज्वाइंट कमिश्नर या अबव रैंक वाला ऑफिसर। ओके सर, सर्च किया उसने और उसको ऑफिसर को सर्च के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट्स, गुड्स या कोई भी थिंग्स ऐसे मिले जिसकी वजह से लगता है कि टैक्स इविजन हुआ हुआ है, तो दे हैव द पावर टू सीज द गुड्स। देखो सीज करेंगे, आपको शो कॉज नोटिस देंगे, केस चलेगा, आप हार जाएंगे, तो फिर कॉन्फिस्केशन होगा, नहीं तो गुड्स रिलीज कर दिए जाएंगे। ओके सर, दे हैव द पावर टू सर्च एंड सीज द डॉक्यूमेंट्स, गुड्स वगैरह बेटा। ओके प्रीमाइसेस कोई भी हो सकता है, सर्च कर सकते हैं। ओके अब सर्च के टाइम पे कुछ गुड्स डॉक्यूमेंट वगैरह मिल गए जिनको सीज करना है, तो वो हो सकता है फिजिकल पोजीशन लेके गुड्स को लेके चले जाए बेटा। पर अगर फिजिकल उनका सीज करना, फिजिकल पोजीशन लेना पॉसिबल नहीं डिपार्टमेंट के लिए, तो चाहे तो आपके गुड्स को वहीं पे सील कर देंगे, जैसे फैक्ट्री सील करते हैं बेटा, प्रीमाइसेस सील कर सकते हैं, क्लियर? गुड्स को सील कर सकते हैं और डायरेक्शन दे देंगे एसएससी को, यू कैन नॉट डील विद द गुड्स अनलेस केस इज फाइनलाइज। ओके अब सर आपके गुड्स सीज हो गए, उसके बाद क्या होगा? सर गुड सीजर के बाद में आपको नोटिस आएगा कि सर हमको लगता है कि आपने टैक्स चोरी किया हुआ है, हमारे हिसाब से इतना टैक्स और बनता है, बताइए इतना टैक्स हम आपसे रिकवरी क्यों ना करें। अब सर ऐसे केस में अगर आपसे उन्होंने नोटिस इश्यू किया, तब ध्यान रखना बेटा रिलीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं, मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, रिलीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब ऐसे केस में बोल दिया है कि अगर आपके गुड्स, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने सीज किए, अब उन्होंने आपको नोटिस इश्यू किया, तो जो नोटिस में सर रिलाइड अपन डॉक्यूमेंट्स है, जिनके बेस पे जिन डॉक्यूमेंट्स को यूज किया उन्होंने नोटिस इश्यू करने में जो उनके लिए रिलेवेंट है, वो तो उनके पास रखेंगे, पर जो रिलाइड अपन डॉक्यूमेंट नहीं है, जो उनके काम नहीं है, नोटिस रिलेटेड नहीं है, वो डॉक्यूमेंट आपको वापस रिटर्न कर देंगे नोटिस इशू करने के 30 दिन के अंदर, आप मांग सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो डॉक्यूमेंट्स के बेस पे नोटिस इशू किया है वो डॉक्यूमेंट अपने पास रखेंगे। प्लस कभी भी डॉक्यूमेंट्स का सीजर होता है तो ऐसे केस में एसएससी का राइट है कि वो चाहे तो उनका फोटोकॉपी ले सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑफिसर, पर ऑफिसर को लगता है कि ये फोटोकॉपी देने से हमारा जो इंस्पेक्शन है, हमारा जो वर्किंग है, उसमें कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, तो ऐसे केस में फोटोकॉपी के लिए मना कर सकता है बच्चों, वो एक्सेप्शनल केस में मना कर देगा, अदरवाइज मना नहीं करता है। आपका बिजनेस कंटिन्यू करना है आपको, तो डॉक्यूमेंट की कॉपी तो चाहिएगी आपको। ओके सर अब आ रहा है क्या, रिलीज ऑफ
गुड्स सर, सबसे पहले आप प्रोविजनल बेसिस, अगर आपके गुड्स सीज हो गए, अब साहब आपको धंधा चालू करना है, आपको बिजनेस बंद हो जाएगा, तो ऐसे केस में आप चाहे तो एक बॉन्ड साइन कर सकते हो अलोंग विद एप्लीकेबल सिक्योरिटी, दे देना आपका गुड्स रिलीज कर देंगे प्रोविजनल बेस बेटा। सेकंड, इसके अंदर आप चाहे तो क्या कर सकते हो, एप्लीकेबल टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एक बार पे कर दो प्रोविजनल बेस पे और गुड्स रिलीज करा दो। सर ये हो गया प्रोविजनल रिलीज। सेकंड है क्या, एक्चुअल रिलीज। अब सर आपके गुड्स सीज कर लिए और 6 महीने हो गए, 6 मंथ उन्होंने आपको कोई नोटिस इश्यू नहीं किया, तो यू हैव द राइट कि अपने गुड्स वापस मांग लो और ये एक्चुअल रिलीज ऑफ गुड्स होगा, सीज्ड गुड ये प्रोविजनल बेस में नहीं है। पर कमीशन चाहे तो डिपार्टमेंट को 6 महीने का वक्त और दे सकता है टू इशू द शो कॉज नोटिस। ओके, अब साहब बात आती है क्या, अगर कोई गुड्स पेरिशेबल नेचर का है या हैजार्डियस नेचर का है जो खराब हो जाएगा ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, तो ऐसे केस में उन गुड्स को डिपार्टमेंट कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, बेच सकता है और जो पैसा आएगा उस पर केस चलेगा कि पैसा डिपार्टमेंट को जाएगा या असेस को मिलेगा। क्लियर, क्योंकि कॉन्फिस्केशन अगर होता तो पैसा डिपार्टमेंट का होता बेटा, तो इस केस में डिपार्टमेंट पैसा जाएगा, नहीं तो असेस को मिल जाएगा बाद में पैसा। ओके सर, अदर प्रोविजन कहते हैं क्या, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्या बोला सर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सारे इसके केस में अप्लाई होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट इसमें अप्लाई होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ओके, सेकंड बात बेटा, देना कभी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर सीज करना है या सर्च करना है तो आपको कॉपरेट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। थर्ड बात सर, ऑफिसर के पास पावर है, कमिश्नर के पास पावर है कि वो अपने डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर को कस्टमर बना के आपके यहाँ भेज सकता है फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन कि आप प्रॉपर इनवॉइस इशू कर रहे कि नहीं कर रहे हो। क्लियर, और ऐसे केस में वो गुड्स या सर्विसेज परचेज कर सकता है एज ए कस्टमर टू वेरीफाई कि वेदर यू आर फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ प्रोविजन ऑफ द लॉ और नॉट। सेकंड थिंग, अगर उन्होंने वेरीफिकेशन कर लिया और उसके बाद वो गुड्स अगर रिटर्न करते हैं आपको, तो गुड्स आपको लेना पड़ेगा और जो पैसा डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने आपको दिया था वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर, यू कांट से कि एक बार बेचा हुआ माल वापस नहीं ले जाता बेटा, क्लियर, देना पड़ेगा। सर्विसेज केस में ऑब्वियस बात है, रेस्टोरेंट का खाना खा लिया रिटर्न क्या करेगा, खाक सर, समझे मेरी बात माहौल। अब सर ध्यान देना, डिपार्टमेंट कभी भी सर्च करता है तो ऐसे केस में उनको प्रॉपर सर्च वारंट इशू करना पड़ता है, सर्च वारंट ज्वाइंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाला ऑफिसर ही इशू कर सकता है। सेकंड थिंग सर, सर्च वारंट में एड्रेस लिखा होगा प्रीमाइसेस का, किसका हमको सर्च करना है, प्लस जब सर्च करने ऑफिसर आएंगे तो सर पहले वो अथॉरिटीज बताएंगे, जो भी प्रीमाइसेस का इंचार्ज होगा उसको बताएंगे कि अथॉरिटी है सब, तब जाके सर्च के लिए वो एंटर कर पाएंगे। सर्च के लिए जब एंटर करेंगे तब पर्सन इंचार्ज ऑफ द प्रीमाइसेस उनका ऑफिसर का सर्च करेगा कि उनके पास कुछ गुड्स है या नहीं है, प्लस जब सर्च करेंगे अब सर सर्च के टाइम पे उन्होंने कॉपरेट किया, आप रेफर कर सकते हो रेड मूवी या स्पेशल 26। अब ऐसे केस में क्या हुआ, सर्च किया जो भी डॉक्यूमेंट्स है गुड्स उन्होंने सीज किया उनका वो इन्वेंट्री बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे कि हमने ये सीज कर रहे साहब, और उसको ध्यान देना बेटा सर्च जब शुरू करेंगे तब दो इंडिपेंडेंट विटनेस भी होने चाहिए। सर्च कंप्लीट होने पर एक पंचनामा बनेगा, उस पंचनामा पर साइन होगा किसका, असएससी का भी बेटा, मतलब जो प्रीमाइसेस का इंचार्ज था उसका, विटनेस जो थे उनके भी साइन होंगे और असएससी ऑफिसर का भी साइन होगा बेटा। क्लियर, एंड सर ध्यान देना डिपार्टमेंट सील से सील पे करेंगे इन गुड्स को जो भी सीज कर रहे हैं, और जब वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर जब जाएंगे सर्च पूरा करने, सर्च कंप्लीट करने के बाद, तब असएससी या उस इंचार्ज ऑफ द प्रीमाइसेस उन ऑफिसर का सर्च करेगा कि कोई गुड्स वो छुपा के लेके जा रहे अपने से, अपने घर से कोई गोल्ड डायमंड के गुड्स कोई मान लो जेब में रख दिए। क्लियर, इसलिए उसको सर्च का पावर दे रखा है। ओके सर का, अब ध्यान देना बेटा इन सबको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, क्या क्या हमने सर्च किया है, क्या क्या हमने सीज किया है, प्लस जो अथॉरिटी ने ध्यान देना सर्च वारंट इशू किया था तो प्रॉपर ऑफिसर वो ओरिजिनल सर्च वारंट प्लस सर्च का जो आउटकम था वो भी उस अथॉरिटी को सबमिट करेगा सर्च खत्म होने के बाद। क्लियर, और पंचनामा जो बनाया इन्होंने, एक जो पूरा रिपोर्ट बनाया है इन्होंने, मजर जिसको बोलते हैं मजर, तो वो उसका कॉपी एसएससी को भी दिया जाएगा कि ये हमने गुड्स वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज किया आपके बेटा। क्लियर, जो पंचनामा में सब कुछ लिखा होगा बेटा। क्लियर, डन। ओके सरकार, अब बताती है क्या कि सर्च हो गया साहब, अब सर्च के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल गए तो उन्होंने सीज कर लिया, अब सीजर होने के बाद क्या होगा, अब उसका शो कॉज नोटिस सर्व होगा सर सेक्शन 73 या 74 के थ्रू, और उसके बाद उसका डिमांड ऑर्डर सर्व होगा अगर, या फिर शो कॉज विड्रॉ हो जाएगा अगर एसएससी प्रूव करता था कोई चोरी नहीं करी, कोई गड़बड़ नहीं थी तो बेटा। क्लियर, और अकॉर्डिंगली फिर अगर डिमांड ऑर्डर पास होता है तो वो चाहे तो अपील फाइल करे या फिर टैक्स पे करे और रिकवरी वगैरह करना डिपार्टमेंट को तो करेगा वो। क्लियर, वो आगे के चैप्टर्स में कवर हो जाएगा बच्चों। ओके, अब आ सेक्शन 70 पावर टू समन एनी प्रॉपर ऑफिसर कैन इशू अ समन। अब समन नोटिस अगर किसी एसएससी को इशू हो गया तो ही इज बाउंड टू अटेंड द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑफिसर जिसने समन इशू किया है, या तो उसकी पर्सनल अटेंडेंस बुलाएगा ऑफिसर, या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाएगा उसको देने पड़ेंगे बेटा, इधर एसएससी खुद जाएगा या उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जाएगा बेटा। अच्छा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे सर्च वारंट जो इशू होता है तो इट इज ट्रीटेड एज जब समन इशू होता है तो इट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग, उस एसएससी को जाना ही पड़ता है, नहीं तो उसको उठा के ले जाएंगे बेटा। क्लियर, एंड इंडियन पिनल कोड के प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होते हैं बच्चों, अगर वो समन को कंप्लाई नहीं करता है तो। देन बताते हैं क्या सर, जब समन इशू होगा तो ध्यान रखना इसमें गाइडलाइन दे रखी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को कि आपकी लैंग्वेज बहुत हार्श नहीं होनी चाहिए, ऐसा एसएससी को हरेस नहीं करना बेटा, क्योंकि अभी तो जस्ट आप चेकिंग कर रहे हो, ये प्रूव नहीं हुआ कि वो चोर है बेटा। क्लियर, देन हायर लेवल के ऑफिसर जो सीईओ सीएफओ लेवल के होते हैं इनको आप समन पे कभी तभी बुलाइए जब
इनकी रिक्वायरमेंट है, बहुत हाई लेवल पे मैटर चला गया तभी इनको बुलाया, अदरवाइज इनको नहीं बुलाया। लॉन्ग आर्स के लिए इनको वेट नहीं कराया बाहर, क्लियर। एक्सेप्ट अगर ये इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी तो बात अलग हो जाएगी बेटा, क्लियर। ये सब गाइडलाइन इनके लिए इशू करी हुई है। ओके सर, अब आता है क्या सर, सेक्शन 72 कि जब भी सर्च सीजर वगैरह होता है तब ऑल दी ऑफिसर ऑफ द पुलिस सर, विलेज के ऑफिसर्स हु आर एंगेज इन कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू वगैरह, क्लियर। एंड सर SGST के ऑफिसर्स, UTGST के ऑफिसर, ऑल दिस ऑफिसर या एनी अदर ऑफिसर विच आर नॉमिनेटेड बाय CBIC, ये सब हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे CBIC के ऑफिसर को टू कंडक्ट अ सर्च एटसेट्रा बेटा, क्लियर डन। ये सेक्शन 72, ये सब बातें हो गई। ईवी बिल के अलावा सारी बातें इस चैप्टर में जो कवर है। आइए सरकार बात आ रही बहुत शानदार ईवे बिल, दिल थाम की सुनिएगा। सेक्शन 68 ने ऑथराइज किया कि प्रॉपर ऑफिसर जब गुड्स मूवमेंट में है उस व्हीकल को, उस वेसल एयरक्राफ्ट को, उस कन्वेंस को इंटरसेप्ट करके रोक सकता है, वेरिफिकेशन चेकिंग कर सकता है कि प्रॉपर गुड्स वगैरह आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके लिए प्रॉपर इशू किए या नहीं किए। आइए ईवी बिल की कहानी रूल 138 में क्या कही, बहुत शानदार पॉइंट है, ध्यान देना। इसके क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं एग्जाम्स के अंदर। ईवी बिल इज वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आता है और एग्जाम्स के लिए भी बड़ा रिलेवेंट है। ओके सुनना ध्यान से बेटा कि ईवी बिल सर, इन केस इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन कॉजेज मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सेडिंग ₹50,000, तो ऐसे केस में सर ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है, भले ही वो मूवमेंट जो हुआ था फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई हुआ था या अदर देन फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई हुआ या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया, किसने, रजिस्टर्ड पर्सन ने, तो ऐसे केस में, अब रजिस्टर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ द गुड्स पता था, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो माना जाएगा कि उसने मूवमेंट करवाया बेटा, क्लियर, और उसको ईवी बिल इशू करना पड़ेगा। आई रिपीट, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, क्या बोला मालिक, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सेडिंग ₹50,000, तो ऐसे केस में ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है। अब ध्यान रखना, कंसाइनमेंट वैल्यू इंक्लूड्स GST का अमाउंट ऑल्सो, जी हाँ, नॉर्मली वैल्यू के अंदर GST का अमाउंट इंक्लूड नहीं करते हैं, यहाँ पे कंसर्न वैल्यू इंक्लूड्स GST का अमाउंट ऑल्सो, पर अगर आपके एक ही इन्वॉइस में कुछ गुड्स टैक्सेबल और कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट है तो सर टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू काउंट करेंगे प्लस उस पर जो टैक्स है वो काउंट करेंगे, पर एग्जेम्प्ट गुड्स की वैल्यू को एक्सक्लूड करेंगे वाइल कंपटिंग लिमिट ऑफ ₹50,000, और ध्यान रखना एक्सीडिंग 50,000 है इंक्लूडिंग GST, तो ही ईवी बिल की रिक्वायरमेंट है। ओके सर ध्यान देना बेटा, अब जो पर्सन मूवमेंट कॉज कर रहा है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ द गुड्स, उसको ईवी बिल इशू करना होता है। अब ईवी बिल का दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सारी जो भी इन्फॉर्मेशन इन्वॉइसेस में लिखी होती है वही सारी इन्फॉर्मेशन पार्ट ए में लिखनी होती है आपको बेटा। अच्छा, पार्ट बी में होता है ट्रांसपोर्टर का इन्फॉर्मेशन, सुनना बच्चों ध्यान से। पार्ट ए जनरेट करोगे आप, जैसे ही पार्ट ए जनरेट किया आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा बेटा, दैट इज नॉट ईवी बिल नंबर, दैट इज अ यूनिक नंबर विच विल बी यूज्ड टू जनरेट द पार्ट बी, और पार्ट बी जनरेट होने के बाद ईवी बिल बनेगा बेटा आपका, और पार्ट बी नहीं है मतलब ईवी बिल नहीं है, ध्यान रखना बेटा, क्लियर। अब सर पार्ट ए जनरेट कौन करेगा, या तो कंसाइनर या कंसाइनी या फर्स्ट तो जो मूवमेंट कोज करा रहा है वो, क्लियर, वो भली कंजर्न हो या कंजानी हो। सेकंड, वो चाहे तो ऑथराइज कर सकता है ट्रांसपोर्टर की तू ही पार्ट ए बना दे, क्लियर, या फिर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या कुरियर एजेंसी के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ऐसे केस में वो कंजर्न या कंजानी ऑथराइज कर सकता है किसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को या कुरियर कंपनी को, कि तुम ही ईवी बिल का पार्ट ए बना दो बस आप। ओके, पार्ट ए में होता क्या, इनवॉइस का सारा इन्फॉर्मेशन होता है, बना दिया साहब, यूनिक नंबर मिल गया, अब उसको यूज करके पार्ट बी बनाना है। अब अगर ट्रांसपोर्ट बाय रोड है, ट्रांसपोर्ट बाय रोड है, तो ऐसे केस में बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स पार्ट बी होना कंपलसरी है, क्लियर, तब ईवी बिल जनरेट हो जाएगा और ईवी बिल का नंबर होना चाहिए ट्रांसपोर्टर के पास में बेटा। सेकंड, अगर ट्रांसपोर्ट बाय रेलवे है या वेसल है या बाय एयर है तो पार्ट बी आप चाहे तो या तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट इश्यू करे या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स करे, चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर रेलवे ने बोल दिया है कि रेलवे के केस में रेलवे के ऑफिसर विल नॉट अलाउ यू टू टेक अप द गुड्स, मतलब आप उनसे गुड्स का डिलीवरी नहीं ले पाएंगे जब तक आपने उनको ईवी बिल का कॉपी नहीं दिया। मतलब सर पार्ट भी जनरेट करना पड़ेगा, भले या तो बिफोर मूवमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट करो या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट करो, पर गुड्स अगर लेना है आपको रेलवे से तो ईवी बिल का कॉपी देना पड़ेगा उनको साहब। ओके, ये पॉइंट एयरवे और वेसल के केस में नहीं है बच्चों। ओके सरकार ध्यान देना बेटा कि अगर दो केसेस है बेटा जहाँ पे 50,000 से ज्यादा वैल्यू नहीं फिर भी ईवी बिल जनरेट करना पड़ता है, प्रिंसिपल के यहाँ से गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ जा रहा है और वहां पर इंटर स्टेट मूवमेंट अगर हो रहा है तो 50,000 की वैल्यू नहीं है फिर भी ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। सेकंड केस, हैंडीक्राफ्ट गुड्स ऐसे लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इंटर स्टेट, जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन, ओनली वन एक्सेप्शन, कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का काम करते हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट करते हैं, उनको बोल दिया कि तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे थ्रेशोल्ड लिमिट तक तभी चल जाएगा। अब ऐसे लोग
हैंडीक्राफ्ट गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्लियर, इंटरस्टेट, तो ऐसे केस में उनको ईवी बिल इश्यू करना कंपलसरी है, ऑल दो इट इज विदाउट, ऑल दो इट इज विद इन 50,000 लिमिट उन लोग, तो भी चलेगा बेटा, ईवी बिल बनाना पड़ेगा उस केस में, क्लियर। बाकी हर केस में ईवी बिल का रिक्वायरमेंट का जब वैल्यू एक्सेडिंग 50,000 जाती है तभी बेटा, क्लियर। या बच्चे गलती करते हैं, ईवी बिल का वैल्यू, ईवी बिल के पर्पस के लिए कंसर्न वैल्यू शेल इंक्लूड जीएसटी का मॉडल, ध्यान रखना बेटा, बट एक्सक्लूड एग्जम्प्ट गुड्स। ओके सर, अब आता थी कि सर क्या अगर सर पार्ट भी कहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट भी अगर नहीं हुआ तो ये मान लेंगे ईवी बिल है ही नहीं सर, अगर ट्रांसपोर्ट बाय रोड है तो। पर हाँ, अगर मेरे यहाँ से ट्रांसपोर्टर किया जा रहा है, मेरे यहाँ से कंसर्नर के यहाँ से ट्रांसपोर्टर किया जा रहा है, और कंसर्नर और सर ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, उसको दूसरे अपने प्लेस पर पहुँचने के बाद दूसरे कन्वेंस में रख के फर्दर ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और मेरे यहाँ से ट्रांसपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो विद इन 50 किलोमीटर है और वो भी सेम स्टेट में है, तो ईवी बिल का पार्ट भी नहीं होगा तो भी चल जाएगा सर। सेकंड केस, जब ट्रांसपोर्टर ने ट्रांसपोर्ट कर दिया और उसके डेस्टिनेशन तक पहुंच गया और ट्रांसपोर्टर का प्लेस से कंसाइन ही किया जा रहा है, आई रिपीट, ट्रांसपोर्टर के प्लेस से कंसाइन ही किया जा रहा है, और वहां पे दोनों सेम स्टेट में है, ट्रांसपोर्टर का प्लेस और कंसाइनी का प्लेस सेम स्टेट में है और विद इन 50 किलोमीटर अगर है तो भी पार्ट भी अगर इश्यू नहीं हुआ तो भी चल जाएगा साहब, क्लियर। ये दो केसेस आप जहां पार्ट भी नहीं हुआ तो भी चल जाएगा बाय रोड के केस में, अदरवाइज पार्ट भी नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ है सर। अच्छा सुनिए के ध्यान से, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने मूवमेंट करवाया है बेटा, क्योंकि ईवी बिल जनरेट करना होता है रजिस्टर्ड पर्सन को बेटा, अब अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने मूवमेंट करवाया है पर एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, अगर रेसिपिएंट पता है कि ये पर्सन रेसिपिएंट है और वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसे केस में अगर वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है तो ऐसे केस में ईवी बिल जनरेट करना जरूरी है, और ऐसे केस में फॉर द पर्पज ऑफ ईवी बिल ये माना जाएगा कि रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने ही मूवमेंट करवाया था और उसी को पार्ट ए जनरेट करना पड़ेगा साहब, क्लियर डन। अच्छा अगर वैल्यू 50,000 से कम की है तो एट द ऑप्शन ऑफ द कंजर्नर या ट्रांसपोर्टर या कंजाइनी वो चाहे तो ईवी बिल जनरेट करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर ट्रांसपोर्ट करने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो ट्रांसपोर्टर या अनरजिस्टर्ड पर्सन जो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है मूवमेंट करवा रहा है वो चाहे तो ईवी बिल जनरेट करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखो 50,000 से ऊपर गया तो ईवी बिल जनरेट करना कंपलसरी है, नहीं जरा तुम इशू करो हमें कैसे दिक्कत है बेटा। ओके अब जब ईवी बिल हम जनरेट करते बेटा, इसकी इन्फॉर्मेशन साहब आप जब जीएसटी R1 सबमिट करते हो तो उसके लिए यूज कर सकते हो, और ऑटो अपलोड होकर इन्फॉर्मेशन पार्ट एक आपका ईवी बिल जीएसटी R1 के थ्रू आ जाएगी, और आप चाहे तो उसको एक्सेप्ट करना, आपके पार्ट आपके जीएसटी R1 में ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सब ये। ओके सर, पर अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कौन है बेटा अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसे केस में उसको इंटीमेशन जाएगा बाय SMS या ईमेल अगर उसने प्रोवाइड किया तो बेटा। ओके सर, अब आता है क्या अगर मान लो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, अब कन्वेंस चेंज करना, तो बिफोर चेंज ऑफ द कन्वेंस माल ट्रांसफर करने से पहले सर ट्रांसपोर्टर या फिर जिसने पार्ट ए बनाया था, कंसर्नर कंजन जिसने पार्ट ए बनाया था वो, या ट्रांसपोर्टर चाहे तो पार्ट बी को अपडेट कर सकता है और व्हीकल नंबर चेंज कर सकता है बिफोर ट्रांसफर ऑफ द गुड्स एंड फर्दर मूवमेंट बेटा, क्लियर, ये कर सकते हो। अच्छा मान लो मूवमेंट शुरू नहीं हुआ और उससे पहले मान लो ट्रांसपोर्टर से झगड़ा हो गया, तो चाहे तो सर व्हीकल नंबर चेंज करना है तो पार्ट बी को अपडेट कर सकते हो बेटा, क्लियर, कौन कर सकता है बेटा अपडेट, यस बच्चों। ओके वापस बोलता हूँ बेटा, पावर कट हो गया था लास्ट में। ओके तो सर यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने कभी ईवी बिल जनरेट कर दिया है और अगर ट्रांसपोर्टर चेंज करना झगड़ा हो गया ट्रांसपोर्टर से, तो ऐसे केस में जो ईवी बिल नंबर है आप किसी और ट्रांसपोर्टर को असाइन कर सकते हो फॉर अपडेशन पार्ट बी। पर अगर मान लो मूवमेंट ऑफ द गुड्स शुरू हो गया है, पार्ट बी फिल कर दिया है, उसमें ट्रांसपोर्टर का इन्फॉर्मेशन आ गया है, तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर ही पार्ट बी को अपडेट कर सकता है, उसमें ट्रांसपोर्टर की इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, पर ट्रांसपोर्टर ही कर सकता है, कंसर्न नहीं कर पाएगा। ओके सर, अब मान लो मूवमेंट ऑफ द गुड शुरू हो रहा है, अब सर ट्रांसपोर्टर चाहे तो कंसोलिडेटेड ईवी बिल भी बना सकता है। मान लो आपने भी गुड्स दिए, सबने अपना अपना ईवी बिल बनाया, सब वो चाहे तो सबके ईवी बिल अपने पास रखे, या वो चाहे तो उन सारे ईवी बिल को कंसोलिडेट करके एक सिंगल ईवी बिल बना सकता है जो होगा कंसोलिडेट ईवी बिल, सो दैट उसको मल्टीपल डॉक्यूमेंट साथ में नहीं रखने पड़े, सिंगल से काम चल जाएगा बेटा। ये ट्रांसपोर्टर चाहे तो कर सकता है, ऑप्शन है बेटा, कोई खास बात नहीं है। ओके सर, फिर बात आती है क्या अगर मान लो आपने ईवी बिल जनरेट कर दिया है तो क्या उसको कैंसिल कर सकते हो? यस, विद इन 24 आवर उसको आप कैंसिल कर सकते हो, पर ध्यान रखना अगर मूवमेंट शुरू हो गया और रास्ते में गुड्स का वेरिफिकेशन हो गया है तो उसके बाद ईवी बिल का कभी भी कैंसिलेशन नहीं हो सकता। ओके सर, अब ध्यान देना, अगर आपने पार्ट ए बनाया तो आपको यूनिक नंबर मिला होगा बेटा, तो वो यूनिक नंबर 15 डेज तक वैलिड रहता है, उसमें कभी भी आप पार्ट भी अपडेट कर सकते हो और ईवी बिल जनरेट कर सकते हो। ओके अब सर ईवी बिल एक बार बना दिया तो कितने टाइम तक वैलिड है, मतलब कितने टाइम तक गुड्स डिलीवर हो जाना चाहिए? सर वो है क्या सर, फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ वन डे फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। पर अगर ध्यान रखना बेटा, ओवर डायमेंशनल कार्गो अगर है तो 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ,
के लिए वैलिड रहेगा, तो के लिए एक दिन की वैलिडिटी आपको मिलती है बेटा। अच्छा, पर एक और बात है, अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसमें एटलीस्ट वन लेग इज इन्वॉल्विंग ट्रांसपोर्ट बाय शिप, तो ऐसे केस में साहब आपको अगेन 20 किलोमीटर पर डे मिलता है बेटा, ठीक है। अगर मल्टी मॉडल मतलब जिसमें बाय रोड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाय वैसल भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस तरह से मल्टी मॉडल शिपमेंट अगर हो रहा है जिसमें एटलीस्ट वन लेग ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाय शिप, तो अगेन 20 किलोमीटर पर डे का केस चलता है, 20 किलोमीटर या पार्ट देयर ऑफ। ओके सर, ये वन डे जो हम बोल रहे हैं, ये वन डे कब से काउंट होता है? जिस दिन आपने ईवी बिल बनाया वो दिन खत्म जब होता है। मान लो दिन में आपने 2 बजे ई बिल बनाया, कोई मतलब नहीं है, जब वो दिन खत्म होगा रात 12 बजे से एक दिन काउंट किया जाएगा बेटा। क्लियर, डन। ओके सर, अब अगर ई बिल एक्सपायर हो गया है तो कमिश्नर चाहे तो ईवी बिल की वैलिडिटी की एक्सटेंशन दे सकता है इन केस ऑफ सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स। ओके, अगर सेकंड केस, अगर कभी एक्सेप्शनल नेचर का केस है तो ट्रांसपोर्टर चाहे तो भी ईवी बिल का वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकता है, पर जब ईवी बिल का टाइम एक्सपायर हुआ है उसके 8 घंटे के अंदर, 8 आवर्स के अंदर उसको ईवी बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड करनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टर को, उसके बाद वो वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, वो भी एक्सेप्शनल केस में ही एक्सटेंड कर पाएगा। ओके, अब सर आपने ईवी बिल जनरेट कर दिया, ईवी बिल बना दिया, अब सर जिसने ईवी बिल बनाया या तो सप्लायर ने बनाया होगा या रेसिपिएंट ने बनाया होगा सर, मतलब या तो कंजनर ने या कंजनी ने बनाया होगा, तो सर ऐसे केस में सामने वाले पर्सन को, मतलब कंजनर ने बनाया तो कंजनी को या कंजनी ने बनाया तो कंजनर को, तो सर उनको क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ता है विद इन 72 आवर्स। अगर उन्होंने 72 आवर्स में एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया तो ठीक है सर, अगर कुछ भी नहीं किया तो मान लिया एक्सेप्ट हो गया, या फिर 72 आवर्स या गुड्स एक्चुअली डिलीवर हो गई विच एवर इज अर्लियर, तक उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मान लेंगे एक्सेप्ट कर लिया ईवी बिल सामने वाले पर्सन ने। ओके सर, अब अगर ईवी बिल आपने एसजीएसटी एक्ट में बनाया है तो वही सीजीएसटी एक्ट का ईवी बिल होता है, कोई अलग ईवी बिल नहीं होते, और एक स्टेट में अगर आपने ईवी बिल बनाया है तो वही, मान लो ट्रांसपोर्ट मुंबई से दिल्ली, तो सर जिस स्टेट में आपने ईवी बिल बनाया वो वैलिड रहेगा फॉर एवरी स्टेट, ऐसा नहीं हर स्टेट का अलग अलग ईवी बिल बनाओ सर। क्लियर, एंटायर जर्नी के लिए एक ईवी बिल रहता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है रूल नंबर 138 सब रूल नंबर 14 कि किन किन केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं होती है। फर्स्ट, अगर गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करो वो अगर एनेक्सम में कवर है, और एनेक्सम क्या क्या कवर है दिल थाम के सुना, जल्दी बोल रहा हूं मैं सर, एलपीजी गैस फॉर सप्लाई टू हाउसहोल्ड और नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्ट कैटेगरीज, केरोसिन सोल्ड अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, देन नेचुरल और कल्चरल पल्स डायमंड्स वगैरह बेटा, देन ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ सिल्वर स्मिथ इज कवर्ड अंडर चैप्टर नंबर 71, करेंसी यूज पर्सनल एंड हाउसहोल्ड आर्टिकल्स जो आपके घर के गुड्स होते हैं बेटा, देन कोरल वर्कड और अनवर्कड कोरल बेटा, इनके गुड्स में इन गुड्स के केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड केस सर, अगर आप नॉन मोटराइज कन्वेंस से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ईवी बिल की जरूरत नहीं है, देन आप कस्टम पोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन ले जा रहे हो तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। सेकेंड सर, नेक्स्ट पॉइंट वाइस वर्सा, सर कंटेनर फ्रेट स्टेशन या सर इनलैंड कंटेनर डिपो से कहा ले जा रहे हो, पोर्ट एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन, तो ईवी बिल नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप कस्टम सुपरविजन में गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ईवी बिल की जरूरत नहीं चाहिए। देन अगर गुड्स एग्जम्प्टेड है, एग्जम्प्ट गुड्स है, इसमें ईवी बिल की जरूरत नहीं है। सर कोई गुड्स ऐसा है जो शेड्यूल 3 में कवर है विच आर नॉट सप्लाई, ईवी बिल की जरूरत नहीं है। 6 गुड्स इस पर जीएसटी लेवी ही नहीं होता है, 6 गुड्स ज्यादा है बेटा घूम लो और झूम लो सर, जिन पे जीएसटी लेवी नहीं होता है, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोल वगैरह के गुड्स, सर उन पे ईवी बिल की जरूरत नहीं है, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी एसजीएसटी एक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट ने अगर किसी एरिया के लिए ईवी बिल का एग्जम्पशन दिया हुआ तो सीजीएसटी के लिए भी ईवी बिल का एग्जम्पशन रहेगा उस एरिया के लिए बेटा। देन अगर ट्रांजिट गुड्स जा रहा है कहाँ पे, नेपाल और भूटान, तो ऐसे केस में ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल और भूटान के केस में टू और फ्रॉम नेपाल भूटान ईवी बिल की जरूरत नहीं है। देन कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, सर वो क्या कर रहा है, यूनिट रन कैंटीन को गुड्स भेज रहा है या अदर पर्सन को गुड्स ऑथराइज कस्टमर को गुड्स भेज रहा है, या यूनिट रन कैंटीन ऑथराइज कस्टमर को गुड्स बेच रहा है, या फिर न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी के लिए, सर ध्यान रखना बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीएल को ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। देन डिफेंस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स करी बाय रेलवे एज अ कंजनर तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर, खाली ट्रक जारी, ईवी बिल की जरूरत नहीं है। देन ध्यान बेटा, एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर एलपीजी, खाली सिलेंडर आ रहे तो भी ईवी बिल की जरूरत नहीं बेटा। और अगर आपका कन्वेंस जा रहा है यहाँ से कहाँ पर, वेब्रिज पर, और वेब्रिज आपके यहाँ से 20 किलोमीटर के अंदर है विद इन द सेम स्टेट, और वहाँ से वेइंग होने के बाद, वजन होने के बाद वो
ट्रक वापस आपके पास आने वाला है, तो ऐसे केस में सर केवल डिलीवरी चालान की रिक्वायरमेंट है, ईवी बिल की जरूरत नहीं है। दीज आर दी ओल्ड केसेस जहाँ पे ईवी बिल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर ये ईवी बिल का रोल नंबर 138 पूरा खत्म हो गया बच्चों, अब आ रहा रोल नंबर 138A की सर डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय दी पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस। जो पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस होगा उसको बोल दिया क्या, आपको टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान तो आपके पास हो गया होगा, प्लस आपके पास ईवी बिल भी होना चाहिए बेटा, क्लियर। और हाँ, कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ केसेस में, स्पेसिफिक केसेस में, कुछ सर्कमस्टेंसेस में ईवी बिल की रिक्वायरमेंट को मना कर सकता है, ओके। प्लस ये कह दिया क्या, कमिश्नर के पास पावर की वो चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ ट्रांसपोर्ट को बोल सकता है कि आपको आपके मोड ऑफ कन्वेंस में सर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगवाना पड़ेगा और उसमें ही ईवी बिल मैप करना पड़ेगा और हम वहाँ से क्या करेंगे, हमारे जो स्टेशन होंगे वहाँ से हम रीडर से रीड करके ईवी बिल वेरीफाई करेंगे सर, क्लियर। पर एट प्रेजेंट जैसा कोई नोटिफाई अब तक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के लिए कोई भी नोटिफाई नहीं हुआ, ओके। रूल नंबर 138B बोलता है क्या, वेरीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस, कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर के पास पावर है कि वो कन्वेंस को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन चेकिंग, क्लियर। और उन्होंने वेरीफाई करने के लिए रोका है तो आपको रुकना पड़ेगा। प्लस अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस क्या रिक्वायरमेंट रख रहा था तो वो एक तरह से होता है ना टोल बेटा, अ काइंड ऑफ दैट, उनके पास रीडर्स होंगे और रीडर से रीड करके मैप कर लेंगे कि ईवी बिल आपके पास है या नहीं, वेरीफाई कर लेंगे बच्चों, ओके। अगर एक बार सर ध्यान बेटा, अच्छा वो पॉइंट नेक्स्ट रूल में आएगा, ध्यान बेटा यहाँ पर ऑफिस आए तो क्या करेगा, अपने डिपार्टमेंट किसी ऑफिसर को ओपन कर देगा, वो चाहे तो सर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली टैक्स चोरी की तो किसी भी ऑफिसर को ओपन कर देगा कि इस ट्रक को रोको, इस व्हीकल को रोको और ईवी बिल चेक करो इसका साहब, ओके। देन रूल नंबर 138C बोलता है कि अगर किसी भी ऑफिसर ने व्हीकल को रोक के उसका वेरिफिकेशन किया तो विदिन 24 आवर उसकी समरी रिपोर्ट उसको अपलोड करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल पे, और हाँ उसकी फाइनल रिपोर्ट विदिन थ्री डेज फाइनल रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी उस ऑफिसर को कि मैंने वेरीफाई किया है। प्लस कमीशन चाहे तो एक्सेप्शनल केसेस में 3 दिन का वक्त और एक्सटेंशन दे सकता है, मतलब 3 दिन प्लस 3 दिन का वक्त मिल गया टू अपलोड द फाइनल रिपोर्ट इन केस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द कन्वेंस बाय द ऑफिसर बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात। और हाँ ये 3 दिन या 24 आवर कब से काउंट होंगे बेटा, जिस दिन वेरीफाई किया उस रात 12 बजे से फिर 3 दिन या 24 आवर काउंट होंगे बेटा, क्लियर। और एक बार अगर किसी व्हीकल का वेरिफिकेशन हो गया तो उसको बाद में रास्ते में कहीं और नहीं रोका जाएगा, अनलेस देर इज ए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कि इसने बाद में कुछ गुड्स इलीगली और अपलोड और लोड किया अपने व्हीकल में बेटा, ओके। रूल नंबर 138D बोलता है अगर किसी भी ट्रांसपोर्टर को उसका व्हीकल इंटरसेप्ट करने के बाद 30 मिनट से ज़्यादा अगर रोक दिया है तो 30 मिनट से ज़्यादा अगर उसको रोका है तो वो चाहे तो इसकी इन्फॉर्मेशन सर कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर सकता है, फिर डिपार्टमेंट क्या करना है वो उनका एक्शन है बेटा, क्लियर, डन, समझे मेरी बात बच्चों, ओके। ये हो गया क्या पूरा ईवी बिल की कहानी, ओके। सर ट्रांसपोर्टर चाहे तो अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ठीक है, या वो चाहे तो मल्टीपल स्टेट में अगर रजिस्टर्ड है, या वो रजिस्टर्ड नहीं भी है तो वो चाहे तो यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकता है कॉमन पोर्टल से, और उसने अगर यूनिक एनरोलमेंट नंबर सारे जीएसटी नंबर के लिए ले लिया है तो जब भी ईवी बिल की बात आएगी वो उसी यूनिक एनरोलमेंट नंबर के थ्रू ही वर्किंग करेगा बेटा, क्लियर, डन। एक बहुत ही सुंदर रूल जो इस बार एप्लीकेबल हुआ है, नवंबर 20 एग्जाम्स या उसके बाद वाले एग्जाम्स होंगे उनके लिए रिलेवेंट है, रूल नंबर 138E। सर ध्यान देना ये रूल जुलाई 20 एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। रूल नंबर 138E बोलता है रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ ईवी बिल। सर अगर किसी भी एसएससी ने भले वो कंजनर हो कंजाइनी हो सर उसके लिए ईवी बिल जनरेट हो ही नहीं पाएगा, कोई भी जनरेट नहीं कर पाएगा, ना खुद जनरेट कर पाएगा ना उसके लिए कोई और, मतलब कंजनर कंजनी या ट्रांसपोर्टर या ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी कोई ईवी बिल जनरेट नहीं कर पाएगा अगर सर उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के लिए अपने रिटर्न सबमिट नहीं किए, या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के लिए उसने GSTR 1 सबमिट नहीं किया, या फिर अगर वो कंपोजिशन स्कीम वाला है तो उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के लिए GST CMP 08 नंबर का फॉर्म फिल नहीं किया, क्वार्टरली जो था बेटा 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए बेटा, क्लियर सर, तो उसके लिए कोई ईवी बिल जनरेट नहीं कर पाएगा, ना वो खुद जनरेट कर पाएगा, ना कंजनर कंजनी या ट्रांसपोर्टर या ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी उसके रेस्पेक्ट में ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा बच्चों, ध्यान रखना, क्लियर। पर कमिश्नर को अगर वो अप्लाई करता है कि साहब मेरे पास रीजनेबल रीजन है इसकी वजह से मैं ये रिटर्न सबमिट नहीं कर पाऊँ तो कमिश्नर चाहे तो उस एक्सेप्शन केस में अलाउ कर सकता है कि साहब ठीक है जान दे इस केस में ईवी बिल अलाउ हो जाएगा, पर आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग। पर अगर कमिश्नर चाहे कि रीजनेबल केस नहीं तो वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, बट बिफोर रिजेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड विल बी गिवन टू दी एसएससी, क्लियर, डन। और एक कमिश्नर जो होगा वो आपका ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर होगा बेटा, क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय, ये रूल नंबर 138E खत्म होता है। अब एक लास्ट सर्कुलर और है साहब कि अगर गुड्स आर इन ट्रांजिट और ट्रांसपोर्टर ने अपने गोडाउन में गुड्स को स्टोर कर लिया टेम्पररी तो ऐसे केस में ईवी बिल का क्या होता है, मैं तुम्हें कहानी समझाता हूं पूरी बेटा, दिल थाम के समझा जल्दी से। सर क्या होता है बेटा कि मान लो मुंबई महाराष्ट्र से गुड्स निकला, कहां के लिए बेटा, सर पाली राजस्थान के लिए। अब साहब
क्या होता है, गुड्स निकल गया, ईवी बिल बन गया बेटा, अब पाली में गुड्स पहुंच गया, पाली राजस्थान में गुड्स पहुंच गया, पर वहां के जो बिजनेसमैन जिसने गुड्स परचेज किया था उसने ट्रांसपोर्टर को बोल दिया कि गुड्स मेरे यहाँ लेके मत आ, तू अपने वेयर हाउस में रख दे, मतलब ट्रांसपोर्टर को बोल दिया कि तू अपने वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर कर ले, और जब मैं तेरे को बताऊंगा तब गुड्स डायरेक्ट उस कस्टमर के यहाँ पे या फिर मेरे यहाँ पे या जहाँ मैं बोलूंगा वहाँ डिलीवर कर देना। मतलब क्या हो रहा है, ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स स्टोर हो रहे इन सम अदर प्लेस विच इज नॉट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंजैनी। तो ऐसे केस में सबसे पहली बात, उस कंजैनी को वो वेयर हाउस डिक्लेयर करना पड़ेगा एज इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, सेकंड बात, अब सर क्या यहाँ पे ईवी बिल का वैलिडिटी जो एक दिन होता है फॉर एवरी 100 किलोमीटर, उस केस में क्या ईवी बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड करना पड़ेगा? तो यहाँ बोला गया कि सर यहाँ पे ईवी बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड करने की बात आती नहीं है। सर जैसे ही उस ट्रांसपोर्ट के वेयर हाउस में गुड्स पहुंच जाएगा तो मान लेंगे कि कंजानी के गुड्स रिसीव हो गया, क्योंकि वो भी उसका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। अब वहां पे अगर पहुंच गया तो ईवी बिल खत्म, क्लियर। अब जब वहां से फर्दर मूवमेंट होगा किसी और प्लेस के लिए, जब वो कंजानी बताएगा, तो ऐसे केस में नया ईवी बिल इशू करना पड़ेगा, जो पुराना ईवी बिल था उसको एक्सटेंड करने की बात तो आती ही नहीं, क्योंकि मूवमेंट एक बार टर्मिनेट हो चुका है। अब जब नया मूवमेंट होगा तब नया ईवी बिल आएगा बेटा, क्लियर डन। इसी के साथ भारत माता की जय, ये पूरा ईवी बिल का कहानी भी खत्म होता है। अब चैप्टर नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ईवी बिल का था वो भी खत्म हो गया, क्लियर। पढ़ते रहिए बच्चों, आपके साथ मैं लगा हुआ हूं सर एग्जाम तक भी और एग्जाम के बाद भी, पर हां आपको और मेरे को देना फोकस रहना है अपनी पढ़ाई के लिए। सर अननेसेसरी किसी भी नेगेटिव बात में इंपैक्ट, आपका नेगेटिव बात से इंपैक्ट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज, कीप इंप्रूविंग योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक यू।